आम के पौधों के ऊपर फ्लावरिंग का समय जैसे जैसे नज़दीक आता है, उसके साथ साथ आम की खेती करने वाले किसानों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि आम के बागों में अच्छी या ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए कौन से रसायनों का प्रयोग करें, किस समय करें, कौन सा स्प्रे करें, कीटनाशिका करें या फफूंदनाशिका करें, सिंचाई जुताई कब करें, आम के फल झड़ने की समस्या के लिए क्या करें, यह सारे सवाल किसानों के दिमाग में आते ही आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि आम की उपज साल में एक ही बार आती है और अगर इस टाइम पे कोई भी गलती हो जाती है तो पूरे साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन काफ़ी हद तक मिल जाएगा, तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले तो आम के बागों में जुताई की बात करें तो जुताई पेड़ों के ऊपर मंजर आने से पहले ही कर देनी चाहिए, बाद में पौधों की जड़ों को जितना डिस्टर्ब ना करें उतना अच्छा होगा। फिर भी खेत जुताई की आवश्यकता लगती हो तो हल्की सी जुताई ही करें और पेड़ों से फल उतर जाने के बाद गहरी जुताई कर सकते हो। और अब पानी यानी सिंचाई की बात करें तो उपज दे रहे बागों में पेड़ों के ऊपर मंजर आने से 1.5 से 2 महीने पहले से ही सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग से पहले आम के बागों में पानी देने से पौधों की वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है, नई पत्तियां निकलने लगती हैं जिससे फ्लावरिंग कम होगी और उपज में गिरावट आ जाती है। और जब पेड़ों के ऊपर आम के फल मटर के दानों के साइज के हो जाए तब हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए या कर सकते हो, जिससे फलों के आकार और गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात पौधों के ऊपर स्प्रे के विषय पर कि कौन सा स्प्रे किस समय और कितनी मात्रा में करें। तो आम के पेड़ों के ऊपर निकलने वाले मंजरों की देखभाल अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार भरपूर मंजर आ जाने के बावजूद विशेष देखभाल के अभाव के कारण किसान भाई इन मंजरों की सुरक्षा नहीं कर पाते, जिसके चलते फलन बहुत ही कम हो जाता है। तो इस समय आम के पौधों के ऊपर मधुआ कीट, डहिया कीट और रोगों में एंथ्रेक्नोज और पाउडरी मिल्यू मुख्य है। तो इन कीट रोगों से आम के मंजरों को बचाने और फलों को गिरने से रोकने के लिए सही समय पर 3 स्प्रे करने की सिफारिश विशेषज्ञों द्वारा की जाती है, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले तो सिफारिश की गई कुछ कीटनाशी और फफूंदनाशी के डोज की बात कर लेते हैं जिसे हमें प्रयोग में लेना है। तो कीटनाशी के तौर पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 3 ml मात्रा, डाइमेथॉएट 30 EC की 10 ml मात्रा, ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल 25 EC की 10 ml मात्रा, मेलाथियोन 50 EC की 15 ml मात्रा, इनमें से किसी भी एक कीटनाशक को प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से, और फंगस जनित बीमारियों के लिए घुलनशील गंधक 30 ग्राम या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 10 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर पौधों के ऊपर स्प्रे करना है। इन कीटनाशी और फफूंदनाशी को साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक कीटनाशक को लेना है और किसी भी एक फफूंदनाशी को और स्प्रे कर देना है। अब बात करते हैं कि इस स्प्रे को करने का सही समय और तरीका क्या है। तो इनमें से पहला स्प्रे पेड़ों के ऊपर मंजर निकलने से पहले सारे पेड़ों को अच्छे से धोने के लिए करना है। तो उसके लिए ऊपर बताए में से किसी भी एक कीटनाशी और कोई भी एक फफूंदनाशी लेकर पानी में घोल बनाकर आम के सारे पेड़ों के ऊपर हमें स्प्रे इस प्रकार से करना है कि कीटनाशी पेड़ों की छाल की दरारों में छुपे मधुआ कीट तक पहुंच जाए, मतलब कि पूरा पेड़ अच्छे से भीग जाए, उस प्रकार से स्प्रे करना है। या सिंपल भाषा में बोलें तो पेड़ों को अच्छे से धो देना है और यह पहला स्प्रे हमें करना है मंजर निकलने से पहले। ओके, अब दूसरे स्प्रे की बात करें तो आम के मंजरों पे फल सरसों के दानों के आकार के हो जाए तब ऊपर बताई किसी भी एक कीटनाशी और घुलनशील गंधक का स्प्रे करना है, जिससे मंजरों में लगने वाला पाउडर मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड यानी NAA हार्मोन, जो प्लानोफिक्स के नाम से बाजार में मिलता है, उसकी 4 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से दूसरे वाले स्प्रे के साथ में मिलाकर कर देने से यह हार्मोन दंतलों को मजबूत बनाता है और फलों को गिरने से रोकता है। ध्यान दीजिए, यह दूसरा स्प्रे करना है मंजरों में फल सरसों के दानों के बराबर हो जाए तब। ओके,
और अब तीसरे और आखिरी स्प्रे की बात करें तो कीटनाशी और फफूंदनाशी की लगभग जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हालात और आवश्यकता के अनुसार ऊपर बताई किसी भी कीटनाशी और फफूंदनाशी को ले सकते हैं। और साथ में नेप्थलीन एसिटिक एसिड NAA की 4 ml मात्रा प्रति 10 लीटर पानी का स्प्रे हमें तब करना है जब आम के पेड़ों के ऊपर फल मटर के दानों के साइज के हो जाए, जिससे फलों को गिरने से काफी हद तक रोका जा सकता है। और अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण जरूरी बातें कि फ्लावरिंग के समय यानी फूलों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी स्प्रे भूल से भी ना करें। स्प्रे के दौरान घोल में स्टिकर एजेंट अवश्य मिलाएं। फल एवं मंजर को गिरने से बचाने के लिए दूसरे एवं तीसरे स्प्रे में NAA को अवश्य शामिल कीजिए। ध्यान रहे कि कीटनाशी और फफूंदनाशी का डोज सिफारिश की गई मात्रा से ज्यादा ना हो। ध्यान रहे कि NAA के छिड़काव में उसका डोज निर्धारित की गई मात्रा से ज्यादा हो जाने पर मंजर जल भी सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बेमौसम बरसात और आंधी तूफान आना अलग बात है, लेकिन कुछ सावधानियां और निश्चित समय पर यह 3 स्प्रे अगर कर लिया तो आम की अच्छी पैदावार होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है कि इस समय यह वीडियो आम की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए। जय किसान, जय हिंद।